हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल अभी हम खड़े हैं हाईवे पर और हमें जाना है पीपला स्वर्ग आश्रम, जो इस साइड में पड़ता है, और मेरे साथ है सतीश। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ पीपला स्वर्ग आश्रम, जो है कि एक प्राकृतिक जगह है, और मैं आपको दिखाऊँगा जाकर। क्यों आश्रम पे रास्ता कौन सा गया है? हाँ ठीक, नमस्कार जी, शराम। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं एक और आश्रम की ओर, जो पीपरा में पड़ता है, रामानंद आश्रम। यहाँ पर संत निवास है। तो दोस्तों, देखिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भगवान भोलेनाथ शिवालय। और काफ़ी खूबसूरत आश्रम है दोस्तों, देख सकते हो आप। अभी दोस्तों मंदिर के फाटक बंद है, तो दर्शन नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत प्राचीन आश्रम है ये संत भगवान का, जहाँ पर कुछ दिन पहले हमारे गुरुदेव भगवान भी आए थे। यहाँ पर राम अर्चना थी। और काफ़ी शानदार लोकेशन है, देख सकते हो ऊपर बादल छाए हुए हैं आसमान में। और ये संत निवास है, यहाँ पर संत भगवान की कुटिया, जहाँ पर संत भगवान निवास करते हैं। और ये है मंदिर यहाँ का, तो काफ़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ से देख सकते हो आप। ये दोस्तों शिवालय, भगवान भोलेनाथ का स्थान, देख सकते हो। और ये है संत भगवान की कुटिया, जहाँ पर वो निवास करते हैं। और इधर है गांव, और गांव के जस्ट साइड में आप देख सकते हो खूबसूरत हिल्स, पहाड़ियाँ नज़र आपको आ रही हो, देख सकते हो। ये भोले बाबा जी, श्री श्री काजाराट मैन जी, जो आश्रम पर निवास करते हैं पीपला आश्रम पर, तो अभी गाड़ी की सर्विस करा के आए हैं। तो दोस्तों, हम उनसे चल के कुछ बात करेंगे महाराज जी से।
तो दोस्तों ये हमारे महाराज जी आश्रम के, जो आपको आश्रम के बारे में कुछ बताएंगे। तो महाराज जी बताइए थोड़ा। जी आश्रम पे अपने करीब करीब 30 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, 30 से 32 के लगभग हो रहा है। इसका निर्माण किया, मंदिर भी इसमें फूटा पड़ा था, मंदिर भी कंप्लीट कराया, छत डलवाया, फिर कुटी बनाई, फिर ट्यूबवेल लगवाए, 8-10 ट्यूबवेल भी हो गए हैं, लेकिन पानी नहीं मिला। इसके बाद में अब पानी अपन को मिला है, तो अपन ने जगह भी खरीदी गई है, ऊपर वाली भी खरीदी, नीचे वाली भी खरीदी, दोनों को संत सेवा आती थी, सेवा भी चालू है ना। और महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पर संतों की भी सेवा होती है, और जो भी अतिथि आते हैं भगवान की कृपा से जितना उनसे बनता है वो सब व्यवस्थाएं देखते हैं। हाँ, अतिथि सेवा, संत सेवा भी, वहाँ से अपने चारों दिशा से संतों को आगमन होता है। तो अपने प्रति वर्ष के अनुसार माघ के महीने में विशाल भंडारा भी रहता है, कार्यक्रम संत सम्मेलन रखते हैं प्रति वर्ष के अनुसार, और बीच में एक दो कार्यक्रम वैसे भी होते हैं, गणेश जी पे भागवत हो गई। तो महाराज जी इस आश्रम को लगभग कितने साल हो गए बने हुए? अपने आश्रम को करीब बने, इसको तो अभी बना है, वैसे अपनी 30-32 साल है। तो 32 साल से आप ही सेवा दे रहे हैं? हाँ, अपन ही है सेवा में, अपने गाँव ही है, जिसके पहले लक्ष्मण टेक भी थे। अच्छा, ठीक है महाराज जी, पास में जय श्री राम, पाली का गाँव लक्ष्मण टेक भी है, वैसे अपन करीब करीब 54 साल है इस क्षेत्र में रहे थे, जब से महाराज जी सीताराम दास जी थे, अग्नि आप है, और बाग बागेश्वर थे, उदासी बाग गोविंद दास जी थे, सभी संतों से हमारा पुराना संपर्क रहा। ठीक है, जय श्री राम। हम आ चुके हैं आश्रम की जो मेन हाइट है, जो आश्रम की बिल्डिंग है, वहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ से आपको चारों ओर का व्यू नज़र आ रहा होगा। ये दोस्तों आश्रम छोटा सा, जहाँ पर अभी हम दर्शन करने आए थे, तो देख सकते हो चारों ओर काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा, ग्रीनरी आपको दिख रही होगी, देख सकते हो दोस्तों। आई होप दोस्तों, और ऑब्वियसली ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा दोस्तों, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एक से एक बेहतरीन ब्लॉग लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।